हे मार्शमेलोस, मैं आपके साथ आपकी लवर गर्ल आज आपके लिए एक और रोमांटिक मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसका टाइटल है दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं एक टेस्ट डिश और मिस्टर लूजिन को, जो कि एक बड़ी कंपनी वीएन ग्रो का सीईओ है और कई सारे होटल्स इसके अंडर रजिस्टर्ड है। बाकी काम का तो पता नहीं, मगर लूजिन बिल्कुल मेरी तरह खाने का बहुत शौकीन है। उसका काम बिल्कुल मास्टर शेफ के जजेस की तरह है, जो बड़े बड़े होटल्स को विजिट करके वहाँ के बेस्ट डिशेस को ट्राई करता है। मगर इतने समय से उसे कोई भी शेफ ऐसा नहीं मिला था जिसका खाना उसको बहुत पसंद आया हो। उसे जिस भी होटल का मैनेजमेंट, सर्विंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद आया करता, वो उस होटल को अपनी होटल्स की चेन में जोड़ लिया करता था। एक दिन जब लू डिशेस टेस्ट करने में कुछ ज्यादा ही टाइम लगा देता है, तो उसका मैनेजर उसे गुस्से में ये कह देता है कि जितना वक्त आप डिशेस को खाने में लगा डालते हो, उतने में तो हम एक नया होटल भी खरीद सकते हैं। ये सुनते ही लू को गुस्सा आ जाता है। फिर क्या, सीईओ को इंसल्ट करोगे तो वही होगा जो रियल लाइफ के अंदर बाकी एम्प्लॉयज के साथ होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। लू उसे ये कहकर फायर कर देता है कि उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अच्छी अच्छी डिशेस को खाकर ट्राई करना है, जिसे कोई और बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। इसके बाद ऑफिस के पार्किंग लॉट में लू जब अपनी गाड़ी की तरफ जाता है, तो वहाँ एक लड़की दिखती है जो कि उसकी महंगी कार पे स्क्रैच कर रही होती है। दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे, यह लड़की कोई और नहीं बल्कि इस मूवी की हीरोइन है, जिसका नाम है शेनान। दरअसल वो अपनी दोस्त शू का बदला लेने के लिए उसके धोखेबाज बॉयफ्रेंड की ब्लैक ऑडी को खराब करने के इरादे से वहाँ आती है, मगर वो गलत फ्लोर पे आ जाती है। जब शेनान को अपनी इस गलती का पता चलता है, तो वो लू से माफी मांगकर उसकी कार ठीक करने की बात तो कहती है, मगर उल्टा उस पे थोड़ा और स्केच करके एक हार्ट बना देती है, जिसपे लू को बहुत गुस्सा भी आता है और वो उसकी रिकॉर्डिंग करके वहाँ से ड्राइव करके चला जाता है। अगले सीन में शेनान के प्रोफेशन के बारे में बताया जाता है कि वो एक 5-स्टार होटल में शेफ है, लेकिन जिस होटल में वो काम करती है वहाँ उसकी ट्रेडिशनल डिशेस किसी भी शेफ को पसंद नहीं आती थी, और इसी होटल के मैनेजर चेंग से शेनान प्यार करती है, और वो दोनों पिछले कुछ समय से एक दूसरे को डेट भी कर रहे होते हैं। मगर आज जब शेनान उसे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की बात करती है, तो वो शेनान को साफ शब्दों में कह देता है कि उसे हेल्दी और चबी लड़की पसंद है, ना कि उसके जैसी पतली और कमजोर लड़की। शेनान को यह सब सुन के बहुत बुरा लगता है। इसी बीच लू इसी होटल को विजिट करने आ जाता है जिसमें शेनान काम करती है। उसके इस विजिट पर होटल की मैनेजमेंट टीम बहुत खुश होती है और लू को इम्प्रेस करने के लिए उसका सुंदर सुंदर फूलों से स्वागत भी करते हैं। उसके बाद लू अपने असिस्टेंट मैंग के साथ होटल का इंस्पेक्शन करता है, जिसके बाद उसे इस होटल की कंडीशन कुछ खास पसंद नहीं आती है। इसके बाद लू वहाँ की डिश टेस्ट करना शुरू करता है। उसे होटल के बेस्ट शेफ की बनाई हुई डिश सर्व की जाती है, जिसे खाने के बाद लू को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो उसे थूक देता है और कहता है कि ये कैसी डिश है, मुझे इसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। होटल के मैनेजर को समझ नहीं आ रहा होता कि वो लू को क्या सर्व करे, लेकिन तभी वो शेनान को कहता है कि क्या वो कोई यूनिक डिश बना सकती है। ये सुन के हेड शेफ कहता है कि इसे तो ढंग से सलाद तक नहीं बनाना आता, ये क्या डिश बनाएगी। पर दोस्तों होता उसका उल्टा ही है। जिस डिश को शेनान लू के लिए बनाती है, लू को उसका स्वाद बहुत पसंद आता है और वो डिश को पूरा खत्म करके इतना इम्प्रेस होता है कि उसे बनाने वाले की तारीफ भी करता है। लेकिन लू को ये पता भी नहीं था कि ये डिश उसी लड़की ने बनाई होती है जिसने उसकी कार पे स्क्रैच किया होता है। जिसके बाद मैनेजर और बाकी शेफ भी शेनान को उसके डिश के लिए उसकी तारीफ करते हैं। वहाँ दूसरी तरफ लू अपने असिस्टेंट से कहकर बाकी के मीटिंग्स को पोस्टपोन कर देता है और उसी होटल में रुकने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद शेनान मैनेजर को खुशी से लड़कियों के साथ फोटोज क्लिक करते हुए देखती है, जिसे देखने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो ड्रिंक्स लेकर छत पे चली जाती है और ब्रेकअप के गम में कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। वहाँ लू अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग सोने से पहले घड़ी देखते देखते इंस्टेंट नूडल्स खाने जा ही रहा होता है,
कि अचानक उसे कांच की बोतल टूटने की आवाज आती है और वो बालकनी में चेक करने जाता है तो उसकी नजर सिनान के ऊपर पड़ती है जो कि अपनी छत से गिरने ही वाली होती है। लू ये सब देखते ही बिना टाइम वेस्ट करे सीधा भागता हुआ साइड वाली बालकनी में जाता है और सिनान को ऊपर खींच लेता है, मगर नशे में होने की वजह से सिनान लू का पैर पकड़ लेती है और उसे अपना मैनेजर समझकर कहने लगती है कि तुम बहुत बुरे हो, क्या मैं इतनी खराब दिखती हूँ, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, और इतना कहकर बेहोश हो जाती है। लू को उसका कहा कुछ भी समझ नहीं आता और वो उसे सूटकेस में सामान की तरह पैक करके उसे लिफ्ट में छोड़ के जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ होटल की वर्कर्स आ जाती है जो ये सब देखते ही जोर से चिल्ला देती है। अगले सीन में लू लॉकअप में बंद दिखता है और बाहर एक पुलिस इंस्पेक्टर सिनान से बात कर रहा होता है। तभी जैसे ही एक और ऑफिसर इंस्टेंट नूडल्स को गलत तरह से बना रहा होता है तो लू से रहा नहीं जाता और वो उसे भी सही तरीके से बनाने के इंस्ट्रक्शंस देने लगता है। उसके बाद सिनान के फ्रेंड शू और लू का असिस्टेंट वहाँ आकर उनकी बेल कराते हैं। सिनान की तरफ से उसके फ्रेंड लू से माफी मांग रही होती है कि तभी सिनान की नजर लू के जूते पर पड़ती है और उसे बताती है कि वो डॉग पूप पर खड़ा है। लू को इस बात पर बहुत डिस्कस्टिंग फील होता है और उसका असिस्टेंट जब कार लेकर उसके पास आता है तो लू उन शूज को वही छोड़ देता है। दोस्तों ये सिलसिला यही खत्म नहीं होता बल्कि अगले दिन जब सिनान पार्क में घूम रही होती है तो एक लड़का उसके मदद मांगता है। दोस्तों उसका छाता एक पेड़ पे अटक गया था। जब सिनान उसका छाता निकाल रही होती है तो गलती से उससे मधुमक्खी का छत्ता टूट जाता है और बहुत सारी मधुमक्खियां उनके पीछे पड़ जाती है जिनसे बच्चे और सिनान तो बच जाते हैं, लेकिन पास से गुजर रहे लू के चेहरे पे काट काट कर वो मधुमक्खियां उसके गालों को गोलगप्पे जैसा बना देती है। सिनान एक बार फिर लू से इस गलती के लिए माफी मांगती है। इस बार लू अपने असिस्टेंट से कहकर उसके ट्रेकर वाली घड़ी सिनान को दे देने के लिए इशारा करता है ताकि उसे पहले से पता रहे कि सिनान यानी खतरा उसके आस पास है। उस हालत में होने की वजह से लू को मीटिंग लेते वक्त काफी मुश्किल होती है। लू इसी होटल में रुका हुआ था इसलिए समय समय पर एक नई डिश की डिमांड करता है। सिनान भी इसका इस्तेमाल करके डिशेज को इतनी अच्छी तरह प्लेटिंग करती है कि जो डिश लू को बहुत अट्रैक्टिव लगती है वो उनकी फोटो भी क्लिक करता है, मगर लू के लिए कुक कर करके सभी शेफ थक जाते हैं इसलिए सिनान इशारा करके मैनेजर तक इस बात को पहुँचा देती है। रात को जब सिनान बाहर टहलने जाती है तो मैनेजर उसका रास्ता रोककर उसे कहता है कि अब मैं पहले से बदल गया हूँ, मुझे बिल्कुल तुम्हारी जैसी पतली और समझदार लड़की ही पसंद है, इसलिए मैंने भी वेट लूज करने के लिए जिम करना स्टार्ट कर दिया है और जल्द हम शादी भी कर लेंगे। लेकिन सिनान को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। सिनान दुखी होकर अपने रूम में वापस जाती है और वहाँ लू का एक और डिश का ऑर्डर उसका इंतजार कर रहा होता है। जब वो लू की तरफ से आए ऑर्डर को पढ़ती है तो उसमें इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट के पीछे उसके लिए एक मैसेज भी होता है। इस नोट को पढ़ते ही सिनान को दिल से बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि होटल में कोई शेफ उसके बनाए खाने को पसंद नहीं करता था और काफी समय बाद आज जाकर किसी चीफ गेस्ट ने उसकी कुकिंग की तारीफ करी थी। जब सिनान घर वापस जाती है तो अच्छे से मूड में होती है और अपने बेस्ट फ्रेंड को बताती है कि आजकल मैं बहुत बिजी रहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी कुकिंग करनी होती है, जल्द ही मैं अपने नए सीनियर को अपनी डिशेस से इम्प्रेस करने वाली हूँ ताकि मुझे जल्द से जल्द किसी अच्छे होटल के हेड शेफ मिल जाए। अगली सुबह जब उसी चीफ गेस्ट का इंटरव्यू होता है तब वहाँ लू को देखकर सिनान को यकीन नहीं हो रहा होता और वो पूल में ही गिर जाती है। अगली सीन में सिनान ये जानने के बाद शॉक हो जाती है कि जिसके लिए उसने इतनी सारी डिश बनाई वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर लू है। उसे लगता है कि अगर इसे पता चला कि मैं इसी होटल में काम करती हूँ तो वो मुझे जरूर काम से निकाल देगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और शाम को जब लू ऐसी डिश की डिमांड करता है जिसमें गर्मी का एक्सपीरियंस हो सके तो वो उसमें चिली कुछ ज्यादा ही डाल देती है ताकि उसकी डिश उसे बिल्कुल भी पसंद ना आए और वो इस होटल से चला जाए। जब लू से टेस्ट तीखी की वजह से उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन चमत्कार होता है और वो उस डिश को उंगलियां चाट चाट कर खाता है जिसे देखकर सिनान हैरान भी होती है और उससे अपने किए पर बुरा भी लगता है। उसके अगले ऑर्डर के लिए सिनान अपनी तरफ से इंटरनेट से ढूंढ ढूंढ कर बड़ी मेहनत से बहुत टेस्टी केक बनाती है जिसमें अलग अलग कंट्रीज के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया होता है।
केक तो लू को लाजवाब लगा, मगर उसमें इस्तेमाल किए गए ट्रफल का मतलब जानने के लिए वो खुद उसी फीमेल शेफ से मिलना चाहता है, मगर शेनान के बाहर नहीं आने पर वो खुद अंदर चले जाता है, जिसके बाद बाकी शेफ तो वही होते हैं, मगर शेनान घबराकर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद जब लू वॉशरूम जाता है तभी अचानक एक चश्मा गिरता है, जिसे उठाने के लिए एक हाथ बाहर आकर उसे उठाता है। लू को यह देखकर शक होता है कि जरूर ये कोई चोर ही होगा, इसलिए वो वॉशरूम के मेन डोर को बंद करके उसके बाहर आने का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद जब शेनान वहाँ से बाहर आती है तो वो उससे सवाल करके पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो और तुम्हारे घर ही कहाँ गई? मगर शेनान किसी भी तरह वहाँ से बच निकलती है। तब लू की नज़र उसी कमरे में पड़े एप्रन पे पड़ती है और वो कहीं ना कहीं समझ गया कि वो फीमेल शेफ और कोई नहीं बल्कि शेनान ही है। अगले दिन लू शेनान को किचन में देखते ही उससे पूछता है कि तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं और उस केक में ट्रफल डालने का क्या कारण था। शेनान उसे कह देती है कि तुम भी ट्रफल की तरह ही हो, जो केवल अपने बारे में सोचता है और अपने सिवा किसी और की परवाह नहीं करता। मगर उसके मन में कुछ और ही था। रात को जब लू केक खा रहा होता है तो उसे उसके डैड का कॉल आता है, जो चाहते हैं कि वो कल ही होटल की डील फिक्स करके अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए स्विट्जरलैंड जाए। लू को शेनान के हाथ का खाना पसंद है, इसलिए वो जल्दी से उसके रिज्यूम को चेक करता है। अगले दिन जब लू को पता चलता है कि शेनान आज छुट्टी पे है तो उसका एड्रेस मिलते ही उसके घर पहुंच जाता है। लू को बाहर खड़ा देखकर शेनान खुश होते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलती है लू बिना पूछे ही सीधा अंदर चले जाता है। यहाँ शेनान के कमरे की हालत बिल्कुल मेरे कमरे जैसी होती है, यानी उसका सामान बिखरा पड़ा होता है। लू से एक टोकरी पकड़ा देता है। दरअसल इस टोकरी में जो डिश लू खाना चाहता था उसके सभी इंग्रेडिएंट्स थे। शेनान फटाफट किचन में जाकर उसके लिए बढ़ियासी डिश बनाती है, मगर जब वो डिश को टेबल पर सर्व करके लू के सामने बैठकर खाने लगती है तभी लू से कहता है कि मुझे अकेले बैठकर खाना पसंद है, इसलिए तुम्हें कहीं और जाकर बैठना चाहिए। इस बात पर शेनान को अजीब तो लगता है, मगर वो चुपचाप किचन में जाकर खाना खा लेती है। कुछ ही देर में जब शेनान प्लेट्स धोकर कमरे में आती है तो देखती है कि लू तो घोड़े बेच के सो चुका है। ऐसे ही अगले कुछ दिनों तक लू रोज शेनान के घर आकर डिनर करता है और दूसरी तरफ शेनान की बेस्ट फ्रेंड और लू का असिस्टेंट भी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कुछ देर बाद लू उसी के काउच पे सो जाता है। खाना बनाना तो ठीक है, मगर लू के खराटों के वजह से शेनान की नींद पूरी नहीं हो पाती है और उसे अपनी इसी हालत में पूरा दिन काम करना पड़ता है। एक रात जब शेनान बिना लू से पूछे उसके सामने बैठकर खाने लगती है तो वो उसे पूछता है कि तुम ये क्यों कर रही हो। वो कहती है कि क्या तुम बहुत ज्यादा अमीर हो। वो उसे बताता है मेरे पास $34 मिलियन है, मगर उसके साथ ही मुझ पे उन्हें बढ़ाने की जिम्मेदारी भी है। शेनान उसे बताती है कि उसे सनराइज होते हुए देखना बहुत पसंद है। वो बताती है कि उसका पेट डॉग अब बूढ़ा हो गया है। तब लू को भी अपने बचपन के पेट का ख्याल आता है। उन्हें उस मछली को खाने के बाद नशा होने लगता है और अचानक बारिश होने लगती है। नशे के कारण उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि शेनान के छत से ही पानी टपक रहा हो, जिससे बचने के लिए दोनों एक छाता खोलकर काउच पर बैठ जाते हैं। बारिश रुकने के बाद भी वो दोनों घर से वही छाता लेकर बाहर आकर एक साथ घूमते हैं। रास्ते में बहुत लोग उन्हें घूर रहे होते हैं क्योंकि असल में बारिश हो ही नहीं रही थी। यहाँ तक कि दोनों बस में भी छाते का इस्तेमाल करते हैं। जब लू का नशा उतर चुका था तब वो उस छाते को बंद करने लगता है, मगर शेनान से कहती है बहुत टेस्टी सूप बनाऊंगी और स्माइल करती है, जिसे देखकर लू छाता नहीं बंद करता। रात को लू से उसके घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगले 2-3 दिन ना लू उसके घर आता है और ना ही होटल। शेनान को उसकी याद आने लगती है और वो अपनी दोस्त के साथ लू के घर जाती है। लू का असिस्टेंट बाहर आकर उन्हें कहता है कि अभी वो किसी से नहीं मिल सकते, लेकिन शेनान भागते हुए सीधा अंदर चली जाती है, जहां लू अपनी पर्सनल शेफ निंग का बनाया खाना खा रहा होता है। शेनान नोटिस करती है कि ये वही स्पेगेटी नूडल्स है जो उसने भी लू के लिए बनाए थे। वो गुस्से में उससे कहती है कि तुम किसी और के हाथ का खाना कैसे खा सकते हो। लू की पर्सनल शेफ उसे जवाब देकर कहती है कि मैं यहाँ पिछले 7 सालों से काम कर रही हूँ और कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे थी। शेनान को ऐसा फील होता है जैसे लू ने उसे चीट किया हो और वो बहुत हर्ट होती है। अगले दिन मिंग होटल आकर शेनान से कहती है कि लू को हम दोनों के हाथ का खाना पसंद है,
इसलिए क्यों ना तुम उनके लिए वीकेंड्स पे खाना बना देना। शनान को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि लू ने सिर्फ उसका यूज किया हो। इन दिनों लू भी बहुत अकेला महसूस करने लगता है और पहले की तरह खाना भी नहीं खाता। वह दूसरी ओर शनान अपनी घड़ी को खिड़की पे रखकर उसके बजने की उम्मीद करती है क्योंकि वो भी लू को मिस कर रही है। अगले दिन लू होटल हेड शेफ को आकर बताता है कि सभी को नौकरी से फायर कर दिया गया है, जिसे देखकर शनान शॉक होती है और लू से बात करती है, जिसके जवाब में लू उससे कहता है कि मैं इस होटल को बेहतर बनाने के लिए इंटरनेशनल शेफ को हायर करूंगा और तुम्हें भी प्रमोट कर दूंगा। मगर शनान को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में होटल से रिजाइन कर देती है। लू भी वापस घर जाकर लंदन के लिए निकलने की तैयारी करता है, मगर पैकिंग करते वक्त जब उसे अम्ब्रेला का टूटा हुआ हैंडल मिलता है तो उसे फिर से शनान की याद आने लगती है और शनान भी अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि मुझे लू से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, उसे बहुत बुरा लगा होगा, काश मैं उसे बता पाती कि मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। लू अपनी शेफ का बनाया खाना भी पहले की तरह नहीं खा रहा था और जब वो देर रात तक जाग रहा होता है तब उसे उसकी पर्सनल शेफ का मैसेज आता है जिसमें वो उसे कहती है कि जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें सिर्फ उसका खाना नहीं बल्कि वो लड़की भी पसंद है और तुम्हें उसे मना लेना चाहिए। उसकी बात पर लू पूरी रात गौर से सोचता है। अगली सुबह लू अपने डेट से बात करता है जो उससे नाखुश है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लू के होटल में रुकने की वजह से बिजनेस को लॉस हो रहा होता है। उसके डैड उसे कहते हैं कि एक बिजनेसमैन को हर सिचुएशन में अपने जिम्मेदारियों को समझकर ही कोई भी फैसला लेना चाहिए। उनकी बात सुनकर लू उनके साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। उन्होंने काफी समय से एक साथ खाना नहीं खाया था, जिसे उसकी डैड मानकर उसके सामने बैठ जाते हैं। वो खा ही रहे होते हैं कि लू उनसे सवाल पूछता है, डैड क्या आपने कभी मुझसे प्यार किया है? उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी कमियां होने के बाद भी और मेरे कारोबार को भी तुम्हें संभाला है, इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लू कहता है क्या आपको याद है बचपन में मेरे पास भी एक पेट हुआ करता था जिससे मुझे बहुत लगाव था, मगर आप ही ने मुझे उससे दूर कर दिया। उसके डैड कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी चीज तुम्हें इतनी प्यारी हो जाए कि वो तुम्हें और तुम्हारे फैसलों को कमजोर बना दे क्योंकि बिजनेस को बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये सुनकर लू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो अपनी चेयर से उठकर सीधा लंदन जाने से पहले सिंघाई जाकर शनान से मिलना चाहता है। अगले दिन लू सीधा उसके घर जाने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे देखते ही शनान वहाँ से भागने लगती है। लू एक मार्केट में आ जाता है। लू एक दुकानदार का माइक उठाकर शनान को आवाज दे रहा होता है और तभी शनान का डॉग लू के पास आता है। लू उसे कहता है कि क्या तुम मुझे शनान के पास ले जा सकते हो? इतना सुनते ही उसका डॉग सुनकर शनान को ढूंढ निकालता है, मगर शनान अभी भी लू से बहुत नाराज थी, इसलिए वो ग्लास के दरवाजे को बंद कर देती है और उसे कहती है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और ना ही तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, मुझे कोई डील नहीं करनी। लू उसे अपने दिल की बात कह देता है कि उसे सिर्फ बनाया खाना ही नहीं बल्कि शनान खुद भी पसंद है और वो उससे बहुत प्यार भी करता है। ये सुनते ही शनान बहुत खुश हो जाती है। वो उससे पूछती है बताओ क्या मैं तुम्हें सुंदर लगती हूँ या नहीं? लू से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और आखिरकार वो दरवाजा खोल ही देती है। अगले सीन में दोनों लू के नए अपार्टमेंट की बालकनी में बैठकर सनसेट का मजा लेते हैं। लू से कहता है कि इस अपार्टमेंट को मैंने इसलिए खरीदा है ताकि हम दोनों हर सुबह और शाम को एक साथ इस खूबसूरत नजारे को फील कर सके। शनान ये सुनकर बहुत खुश होती है और इसी के साथ हमारी ये प्यारी सी लव स्टोरी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।